Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, CS Sansar. This is CS Stuti Mahajan. Today, I'm here to discuss latest GST notifications. Let's see. Latest GST notifications at one place. Introduction. To give effect to the decision taken at 43rd GST Council meeting, GST Department has issued few notifications on 1st June 2021. तो अब हम डिस्कस करेंगे जो नोटिफिकेशंस आई हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 1st जून के अंदर इन्होंने 11 नोटिफिकेशंस एक ही उसमें झटके में इन्होंने इशू कर दिए हैं जो हमारे पास पहले प्रेस रिलीज आई थी उसी की नोटिफिकेशंस इन्होंने इशू की हैं First, notification number 16/2021. Payment of interest on delayed filing of GSTR 3B. Section 50 of CGST Act, which governs payment of interest, has been amended with effect from 1st July 2017. तो जो section 50 था CGST Act का जो section 50 है, उसमें interest payment का क्या clause क्या कहता है उसको हम देखेंगे उसको amend कर दिया गया. Registered person will now be required to pay interest on tax paid through electronic cash ledger. No interest to be paid on tax paid through ITC. Let us suppose हमारी output tax liability हमारी बनती है 1 lakh की और हमारा ITC है 80,000 का. So that means we have to pay the GST in cash 20,000 rupees. ठीक है? तो इनकेस अगर हम लेट पेमेंट उसकी कर दिए ड्यू डेट के बाद कर दिए तो पहले आपको पता होगा कि हमारे पास कई सारे इसके लिए केसेस भी आए थे केस स्टडी भी आई थी तो उसके अंदर क्या था कि जो आपकी जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी बनती है दैट मींस 1 lakh रुपीस आपको पहले उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था बट ये जो नोटिफिकेशन आई है इसको उन्होंने बैक डेट से अमेंड कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2017 जिस डेट से जीएसटी आया है इसके अंदर उन्होंने क्लियर कट बोल दिए जो तो आपने आईटीसी क्लेम किया दैट इज सपोज कि आपने 80,000 आप आईटीसी के थ्रू पेमेंट कर रही हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करने की नीड नहीं है ओनली रुपीज 20,000 विच इज टू बी पेड इन द कैश उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो करेंगे तो ये जो है बैक डेट से उन्होंने इसका आपको इम्पेक्ट दिया है नेक्स्ट नोटिफिकेशन Notification number 17/2021. The last date for filing GSTR 1 return for May 2021 has been extended till 26 June 2021. Normal course में जो हमारी मई 2021 के GSTR 1 return है उसकी due date क्या रहती है हमारी 11 June 2021. तो उन्होंने जो मई 2021 की GSTR 1 की due date है that has been extended till 26 जून 2021 पेंडेमिक के चलते हुए उन्होंने डेट्स को एक्सटेंड कर दिया नेक्स्ट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर 18/2021 इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर 3बी तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे पहले हमने बोला कि जो हमारी आउटपुट लायबिलिटी है व्हिच इज टू बी पेड इन द कैश उसी के ऊपर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा कितनी देर को होगा तो वो हम इस पॉइंट के अंदर इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन रुपीज 5 crore इन प्रीसीडिंग ईयर तो सबसे पहले उन्होंने कैटेगराइज क्या कर दिया रुपीज 5 crore इन प्रीसीडिंग ईयर अगर आपकी टर्नओवर 5 crore से ज्यादा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 9% इंटरेस्ट पर एनम For first 15 days after due date of filing of GSTR 3B and 18% interest per annum thereafter for the month of March, April and May. That means, सबसे पहले उन्होंने categorize कर दिया, if you are having a turnover of rupees 5 crore and more. अगर आप 5 crore की category के अंदर आ रहे हो, तो आपने जो GSTR 3B due date के बाद अगर आप file कर रहे हो, तो फर्स्ट 15 डेज का यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम एंड देयर आफ्टर आपको 18% जो हमारा नॉर्मल रेट है वही आपको पे करना है तो दैट मींस 15 डेज की उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दी है 9% फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एंड मई पेंडेमिक के चलते हुए
3 months के लिए उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दी है, फर्स्ट 15 डेज की 9%, अदरवाइज देयर आफ्टर आपको 18% पे करना है, वो तो आपका नॉर्मल भी 18% है, वही आपको पे करना है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन लास्ट ईयर. पहले हमने देखा वो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है. अब हम देखेंगे जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो उसके अंदर हमारे दो कैटेगरीज रहती है, मंथली एंड क्वार्टरली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फॉर दी मंथली. जो मंथली टैक्स पेयर है उनके लिए क्या है, फॉर मार्च 2021 no interest for the first 15 days after the due date of filing of GSTR 3B, 9% per annum for next 45 days and 18% per annum thereafter. तो उन्होंने मार्च के लिए क्या कर दिया, तीन कैटेगरीज उन्होंने आपको दे दी, 0% first 15 days के लिए, then 9% for the next 45 days के लिए and 18% thereafter. Next we will see for the for April 2021. सेम वे में इसके अंदर आप चेक करेंगे, नो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B, 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एंड 18% पर एनम देयर आफ्टर. मार्च के अंदर आपने 9% वाली कैटेगरी देखी थी 45 डेज, अप्रैल में आप देख रहे हो 9% वाली कैटेगरी 30 डेज. नेक्स्ट फॉर मई 2021, no interest for the first 15 days from the due date of filing GSTR 3B, same way mein 9% per annum for next 15 days and 18% per annum thereafter. To inhone teen categories kar di, 0% 9% 18% 0% 15 days ke liye, tino cases mein 9% kar diya, march ke liye 45 days de diye, अप्रैल के लिए 30 डेज दे दिए और मई के लिए आपको 15 डेज दे दिए, एंड देयर आफ्टर आपका क्या रहेगा, 18% पर एनम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी GSTR 3B जो आप लेट फाइल कर दी हो, तो उसके टैक्स की लाइबिलिटी आप लेट पे कर दिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इन नोटिफिकेशन के अंदर जैसे कहा गया उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके पे करना है. नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग GSTR 3B ऑन क्वार्टरली बेसिस. अब हम देखते हैं कि जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट की हुई है, तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी रहेगी, नो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B. फर्स्ट 15 डेज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, फोर्थ क्वार्टर मार्च 2021, 9% पर एनम for the next 45 days and 18% per annum thereafter. That means कौन सी slab हो गई, जो हमने monthly वालों के लिए March 2021 के लिए जो हम लोगों ने वहाँ पे discuss किए, सबसे ऊपर जो हमने discuss किए, no interest for first 15 days, 9% for the next 45 days and 18% thereafter. Same way में जो हमने monthly वालों के लिए March 2021 के लिए जो interest slab सिलेक्ट की हुई है, सेम वही एप्लीकेबल हो जाएगी क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 के लिए उन रजिस्टर्ड पर्संस के लिए दैट हैव ऑप्टेड फॉर द क्वार्टरली रिटर्न्स. नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 19/2021, वेवर ऑफ लेट फीस फॉर GSTR 3B फॉर मार्च अप्रैल एंड मई 2021. अब GSTR 3B आप लेट फाइल कर रहे हो, एंड एज यू ऑल नो जैसे जैसे आप लेट फाइल करोगे तो सिस्टम क्या कैलकुलेट करते हैं, पर डे के बेसिस के ऊपर आपकी लेट फीस वहां पर कैलकुलेट होती जाती है. और GSTR 3B फाइल करने से पहले यू हैव टू पे द GST अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस, तो तीनों चीजें पे करने के बाद ही आप GSTR 3B को फाइल कर सकते हो. अब हम देखते हैं कि लेट फीस में उन्होंने क्या रिलैक्सेशन दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन लास्ट ईयर. सबसे पहले जीएसटी के अंदर एक बेसिक क्राइटेरिया यू हैव टू रिमेम्बर, कुछ भी आपको करना है यू हैव टू सी कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ तक है. तो उसी वे के अंदर अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको वो ऑप्शन सारी सिलेक्ट करनी है, और अगर 5 के नीचे है, 5 CR के नीचे है, तो आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है.
ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया आपका क्या है, टर्नओवर मोर देन रुपीस 5 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन रुपीस 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर. लेट्स सी, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन रुपीस 5 करोड़ इन द लास्ट ईयर, नो लेट फीस फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट. अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फर्स्ट 15 डेज के लिए आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी. अगर आपने 15 दिन लेट भी दे दी है जीएसटी या 3B तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी. नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 5 करोड़. अब हम देखते हैं छोटे सेसेस जिनकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर है. फॉर मार्च 2021, नो लेट फीस अप टू 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट. तो उन्होंने क्या किया, जहां टर्नओवर का क्राइटेरिया आपका 5 के अबव है उनको रिलैक्सेशन भी कम दिए. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना. तो सेम वे में अगर इफ यू आर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ रुपीज 5 करोड़ एंड अबव तो उस केस में उन्होंने रिलैक्सेशन कम दिए. And if you are having a turnover up to rupees 5 crore, to uske andar aap dekho, for March 2021, no late fees up to 60 days from the due date. To unhone 60 days ka time period aapko de diya. For April 2021, no late fees up to 45 days from the due date. And for May 2021, no late fees up to 30 days from the due date. तो मई के रिटर्न अगर आप 30 डेज लेट भी फाइल कर रहे हो एंड इफ यू आर हैविंग द टर्नओवर अप टू रुपीज 5 करोड़ तो 30 डेज के लिए आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी. नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग क्वार्टरली जीएसटी या 3B. तो सेम वे में अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, इफ यू आर ऑप्टेड फॉर द क्वार्टरली ऑप्शन, तो कौन सी स्लैम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, जो आपकी मंथली में मार्च 2021 के लिए सेम. नो लेट फीस अप टू 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर मार्च 2021 क्वार्टर. यही हमने पहले देखा, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीड टर्नओवर अप टू रुपीज 5 करोड़ में. फॉर मार्च 2021 में हमने देखा नो लेट फीस अप टू 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट. तो सेम हम देखेंगे अगर क्वार्टरली में हम जाते हैं तो नो लेट फीस अप टू 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर मार्च 2021 क्वार्टर. नेक्स्ट, एमनेस्टी स्कीम. तो अब हम देखते हैं एमनेस्टी स्कीम में इन्होंने हमें क्या बेनिफिट दिए. दोज हु हैव नॉट फाइल्ड देयर जीएसटी आर 3B फॉर एनी मंथ और क्वार्टर फ्रॉम जुलाई 2017, द डेट जिस दिन से जीएसटी आया, टिल अप्रैल 2021, can file the return before 31st August 2021 with the late fees of rupees 1000 per return. जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि इनकेस अगर आपने जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक की कोई भी जीएसटी या 3B अगर आपने फाइल नहीं की है तो आप उसको 31st अगस्त 2021 तक फाइल कर सकते हो और लेट फीस आपकी क्या रहेगी, 1000 पर रिटर्न. And if the tax payable in any return is nil, then the late fees shall be rupees 500 per such return. So that means आपकी calculation कैसे होगी? You have to file the GSTR-3B, ठीक है? आपने 5 GSTR-3B file करनी है, आपकी 5 रहती है. आप क्या कर रही हो? 3 GSTR-3B आपकी nil की है. तो उसमें तो आपको late fees pay करनी है 500 into 3. और दो जीएसटी या 3B के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में आप करोगे 1000 इनटू 2 लेट फीस. ऐसे कैलकुलेट करके यू हैव टू डिपॉजिट द लेट फीस और फिर उसके बाद आप अपने जीएसटी या 3B को फाइल कर सकते हो. एंड दिस इज कवर्ड अंडर द एमनेस्टी स्कीम. तो इसके लिए एक सेपरेट एमनेस्टी स्कीम को कवर करते हुए एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है और वो चैनल के ऊपर ऑलरेडी है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो. नेक्स्ट, मैक्सिमम लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटी या 3B फ्रॉम जून 2021 ऑनवर्ड्स. एमनेस्टी स्कीम के अंदर उन्होंने कवर पीरियड किया जुलाई 2017 टिल अप्रैल 2021 तक. अब
अप्रैल के बाद अब हम चलते हैं जून 2021 ऑनवर्ड्स, उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने जीएसटी या 3B की लेट फीस के ऊपर कैपिंग कर दी है। मैक्सिमम लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटी या 3B फ्रॉम जून 2021 ऑनवर्ड्स। इफ टैक्स पेबल इज नील, देन मैक्सिमम लेट फीस शैल बी ₹500 पर रिटर्न। तो अगर तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है तो लेट फीस मैक्सिमम क्या रहेगी आपकी, 500 पर रिटर्न। If turnover in the last year is up to ₹1.50 crore, then maximum late fees क्या रहेगी आपकी, 2000 per return. And if turnover in last year is up to ₹5 crore, then the maximum late fees shall be ₹5000. तो आपको जो जो क्राइटेरिया दिए है उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। अगर तो let us suppose आपको क्या देखना है, अगर तो आपकी tax liability nil है तो आपने आगे बढ़ना नहीं है, आपने सिंपल सा 500 पर रिटर्न पे करके तो अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो अगर आप लेट हो। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस केस में आपके ऊपर कौन सी स्लैब एप्लीकेबल होगी, आप टर्नओवर क्राइटेरिया पर जाएंगे। अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 1.50 करोड़ तक है, अप टू ₹1.50 करोड़, देन मैक्सिमम लेट फीस क्या रहेगी, 2000 पर रिटर्न। और अगर आपकी 1.50 से बढ़ गई है 5 करोड़ तक के, तो आपकी लेट फीस रहेगी 5000 पर रिटर्न। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन नंबर 20/2021, मैक्सिमम लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटी आर 1 फ्रॉम जून 2021 ऑनवर्ड्स। तो जो अभी हमने देखा वो हमने लेट फीस देखी फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटी आर 3B। और अब हम जो नोटिफिकेशन नंबर 20/2021 देखेंगे, इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम लेट फीस यहाँ पे कैपिंग कर दी फॉर द लेट फीस इन फाइलिंग जीएसटी या 1 फ्रॉम जून 2021 ऑनवर्ड्स। तो सेम वे के अंदर जो आपके 3B की डिले के फीस है वही आपकी सेम जीएसटी या 1 के डिले में भी जून 2021 से रहने वाली है। इफ देयर इज नो आउटवर्ड सप्लाइज ड्यूरिंग द मंथ और क्वार्टर, देन मैक्सिमम लेट फीस शैल बी ₹500। सेम वे में जीएसटी या 3B में हमने बोला कि कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, और जीएसटी या 1 में हमने क्या बोला, नो आउटवर्ड सप्लाई। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी डेफिनेटली नहीं होने वाली है। तो उस केस में आपकी जो फीस रहेगी, लेट फीस रहेगी, दैट विल बी ₹500 पर रिटर्न। इफ द टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जिसमें पहले तो हमने बोला कि नो आउटवर्ड सप्लाई, उस केस में सिंपली आपको 500 पर रिटर्न पे करना है। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई है देन आपको नीचे के अलग जो क्राइटेरियाज हैं वो आपको चेक करने हैं। तो उस केस में आपके देखोगे, इफ द टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इज अप टू ₹1.5 करोड़, देन मैक्सिमम लेट फीस शैल बी ₹2000। अगर 1.5 करोड़ तक है तो 2000 है, एंड इफ द टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इज अप टू ₹5 करोड़, देन मैक्सिमम लेट फीस शैल बी ₹5000 पर रिटर्न। तो इस केस में 5000 पर रिटर्न रहेगी। अब यहाँ पर तो उन्होंने हमें क्या क्राइटेरिया क्या दिया, उन्होंने हमें अप टू ₹1.5 करोड़ तो 2000 है, अप टू ₹5 करोड़ ₹5000 पर रिटर्न है। तो एक क्वेश्चन है कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो डैट मीन्स अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो वो असेसेस जो टैक्स पेयर्स हैं उनके रिटर्न्स इस नोटिफिकेशन के अंडर कवर नहीं होगी। तो उनके ऊपर सेम वे से जो एप्लीकेबल है वही, उसके लिए कोई कैपिंग नहीं है। पर डे की लेट फीस यू हैव टू डिपॉजिट और कैलकुलेट करना हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज यू आर लेट इनटू रेट पर डे, तो वो कैलकुलेट करके यू हैव टू डिपॉजिट द लेट फीस। देयर इज नो कैपिंग फॉर द असेसेस for the taxpayers who are having a turnover above ₹5 crores. Next notification, notification number 26/2021, filing of job work return. तो उसके लिए कौन सा हम फाइल करते हैं, ITC 04। All registered persons can file ITC 04 for Jan to March 2021. जो आपका Jan to March quarter है till 30th June 2021. तो जो क्वार्टर फोर है जनवरी टू मार्च 2021 का, जो ITC 04 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, 30th June 2021. नेक्स्ट,
Notification number 27/2021. Availment of ITC and filing of IFF 4 April 2021. Registered person can claim ITC 4 April and May 2021 as per their books without filing GSTR 2A. अगर आपको पता हो तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि GSTR 2A से आपका जैसे ही हम 3B फाइल करने लगते हैं तो 3B के रिटर्न के अंदर जो हमारा ITC है वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। तो अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ITC और रिटर्न का ITC अगर वो मिसमैच है तो आपको उसको मैच करना पड़ता है, अदरवाइज आपको वो रेड टैग कर देगा। ठीक है, तो रेड टैग होने का मीनिंग है कि डिपार्टमेंट से नोटिस इशू होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उस केस में जब भी आपने GSTR 3B फाइल करनी है, GSTR 3B के अंदर आपने जब भी ITC को क्लेम करना है तो आपने उसका ITC रिटर्न के ITC से मैच करना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको रिलैक्सेशन क्या दी है, हाउएवर व्हाइल फाइलिंग GSTR 3B फॉर जून 2021, जून का 3B फाइल करते हुए it needs to ensure that it has availed ITC for April, May and June put together as per GSTR 2A plus 5%. तो उन्होंने आपको क्या relaxation क्या दी है? जो April और May, April 2021 and May 2021 के जब आप GSTR 3B फाइल करो, तो आप अपने as per books के accordingly जो आपका as per books of accounts आपका ITC आ रहा है, आप उसको claim कर लो। लेकिन जब आप जून 2021 की GSTR 3B फाइल करेंगे तो उस मंथ में आपको क्रॉस चेक करना है कि अप्रैल और मई का जो आपने ITC लिया प्लस जो आप जून का लेने वाले हो तो वो तीनों का मैच होना चाहिए GSTR 2A के साथ प्लस 5%। 5% आरडी हो तो वो आपको वहां पर प्लस 5%, दैट मींस कि 5% की वो उन्होंने वेरिएंस दे दिया है, तो आपका GSTR 2A के साथ आपका जो ITC है वो मैच होना चाहिए। दैट मींस अप्रैल और मई के आप कर लो अभी, क्योंकि कई जगह अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो घर से लोग काम कर रहे हैं तो रिमोटली इतना प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। सो दैट मींस अप्रैल और मई का आप GSTR 3B आप फाइल कर लो, आपका जो ITC एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहा है आप उसको क्लेम कर लो। बट जब आप जून 2021 का करो तो उसको अप्रैल, मई और जून तीनों मंथ्स का आप GSTR 2A के साथ उसको मैच करेंगे। देन रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग क्वार्टरली GSTR 1 कैन फाइल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स इन IFF 4 मई 2021 फ्रॉम 1st जून टिल 28 जून। तो जो क्वार्टरली रजिस्टर्ड पर्सन जो कि क्वार्टरली ऑप्शन ली हुई है, क्वार्टरली GSTR 1 फाइल कर रही है, तो वो अपने आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स IFF जो स्टेटमेंट है मई 2021 की 1st जून टिल 28 जून, तो दैट मींस 28 जून 2021 को उनको टाइम दे दिया। मई की अदरवाइज आपकी ड्यू डेट क्या रहती है नॉर्मल कोर्स के अंदर, 13 जून 2021। तो उन्होंने आपको टाइम दे दिया मई के लिए, आपको टाइम दे दिया 28 जून 2021। सेम वे में मई की GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, नॉर्मल कोर्स में आपकी 11 जून 2021 रहती है, आपको उन्होंने 26 जून 2021 दे दिया। और IFF की ड्यू डेट क्या रहती, मई 2021 की IFF की ड्यू डेट आपकी नॉर्मल कोर्स में रहने वाली थी 13 जून 2021, तो सेम वे में उन्होंने आपको एक्सटेंशन दे दी अप टू 28 जून 2021 तक। सो यहां पर हमने नोटिफिकेशंस दी है, आप एक एक नोटिफिकेशन को चेक करके जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपके ऊपर या आपके क्लाइंट्स के ऊपर जो भी एप्लीकेबल है, जो डेट का क्राइटेरिया, इंटरेस्ट का क्राइटेरिया, लेट फीस का क्राइटेरिया, जो भी एप्लीकेबल रहने वाला है, अगर आपकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, तो जहां जहां जो जो आपकी स्लैब एप्लीकेबल है आप उसको चेक करते हुए अपनी कैलकुलेशन करके तो अपने रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CA Sansar, टिल देन कीप फॉलोइंग CA Stuti Mahajan, CA Sansar, थैंक यू।